इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी मैथ के पहले दिन इतने अभ्यर्थियों ने ले लिया है प्रवेश, और बीएफए का भी कटऑफ जारी हुआ है, और सीएमपी के कटऑफ के बारे में क्या है अपडेट, इस वीडियो में इन तीन बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बीएससी मैथ के पहले दिन के जो काउंसलिंग हुई है उसमें कितने लोगों ने काउंसलिंग कराया इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है शुक्रवार को बीएससी गणित में पहले दिन 121 अभ्यर्थियों ने, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रवेश लिया। प्रवेश के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर के एन उत्तम ने बताया कि 26 नवंबर को सभी वर्ग जो थे उसमें 184 से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों को बुलाया था, उसमें से 121 ने प्रवेश ले लिया है, ठीक है। तो ये आपका बीएससी गणित की बात है। बीकॉम की बात करें तो दूसरे दिन शुक्रवार को सभी मतलब वर्ग के 169 या उससे अधिक अंक पाने वाले, और एससी के 131 या उससे अधिक अंक पाने वाले, और एसटी के 68 या उससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पर सभी वर्ग में 34, एससी में 90 और एसटी में 5 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया, और कुल मिलाकर 132 अभ्यर्थियों ने दूसरे दिन बीकॉम में प्रवेश लिया। तो बीएससी में 121 और बीकॉम में 132 जो है 26 तारीख को प्रवेश लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें बीएफए की, तो बीएफए का कटऑफ जो है जारी कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बीएफए का जो कटऑफ जारी किया गया है उसके प्रैक्टिकल के लिए भी कटऑफ जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर लिखा है कि 4 दिसंबर, ध्यान से देखिएगा, को सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक जो है, और 11 बजे से 4:30 बजे तक मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग में प्रैक्टिकल होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसके लिए जारी कटाप के अनुसार सभी वर्ग के 144 या उससे अधिक, और ओबीसी वर्ग के 121 या इससे अधिक, ईडब्ल्यूएस से 110 या इससे अधिक, और एससी वर्ग के 103 या इससे अधिक मतलब कि पाने वाले अभ्यर्थियों को प्रैक्टिकल के लिए बुलाया गया, ठीक है। तो ये बात थी बीएफए के लिए। बात करें सीएमपी डिग्री कॉलेज की, तो सीएमपी डिग्री कॉलेज के अभी कटऑफ जारी नहीं की गई है। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज का जारी कर दिया गया था, श्यामा प्रसाद जो है उनका डिग्री कॉलेज का जारी कर दिया गया है, और अभी सीएमपी का नहीं आया। सीएमपी का जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट जरूर करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।